क्वेश्चन नंबर 34, 35 और 44। चलो बताओ तो जरा। 34 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 जो गिवन है वो पढ़ो तो जरा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट मींस x इनटू y इज इक्वल टू 30, ठीक है? और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ना? ऐसा कितना पेयर पॉसिबल है? क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि आपको ऐसे कितने नंबर एक्स और वाई का एक से ज्यादा पेयर पॉसिबल है या फिर एक ही पेयर पॉसिबल है जिसका एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो। मतलब एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम तो निकाल ही सकते हो, उसको 13 से डिवाइड कर दो जो आया दैट इज द एलसीएम। एलसीएम इतना हो, एचसीएफ इतना हो, तो ऐसा कितना नंबर्स पॉसिबल है ये बोल रहा है। ऐसा कितना पेयर होगा नंबर्स का जिसमें एचसीएफ और एलसीएम इतना आ जाए, एक ही पेयर पॉसिबल है। ऑप्शन देखो तो वन है ऑप्शन में। अच्छा इसलिए बोल दिया। और कोई तरीका बताइए पहले बनाएंगे कैसे? ऑप्शन तरीका क्या है जिससे सॉल्व हो सकता है? एलसीएम निकाल लिया, एलसीएफ निकाल लिया, एलसीएम को डिवाइड करके निकाल लो, वो क्या उसके बाद करना क्या है? पता चलेगा अगले साल पहुंचेंगे, क्योंकि देखो टोटल कॉम्बिनेशन निकाल के बताना है। बताओ और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो, बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। कोई हिडन इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं है ना? सोच कर बताओ क्या होगा। मैं एक्स वाई का मान निकालना। हाँ एक्स और वाई, ऐसा कितना एक्स और वाई हो सकता है जिसका एलसीएम इतना हो एक्स से है? कोई ऑफ कॉम्बिनेशन, कोई भी टर्म पॉसिबल? एचसीएफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ, एचसीएफ के हेल्प से निकल जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। साल हुआ था ये क्वेश्चन नहीं, जो है मान लो एक नंबर है वो 13 ही होगा,
एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई जो है वो नंबर्स है, जो एक्स के जिसका फैक्टर 13 है, तो चाहो तो इसको 13 ए और 13 बी लिख सकते हो, एक्स और वाई। सो अगर ये दोनों अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल दोनों का मल्टीपल 169, 13 ए इनटू 13 169 स्क्वायर होता है, एंड ए बी इज इक्वल टू 2028 लिखा जा सकता है, बोलो निकल जाएगा। अब यहां से अगर ए बी का वैल्यू मिल जाए, दैट मींस 2028 डिवाइडेड बाय 169, देखो तो क्या है, कितनी बार में कैंसिल होगा, जो नंबर्स आपके पास आता है ये प्रोडक्ट वाला फैक्टर्स कॉमन लेने के बाद, तो एक चीज ये चीज तुम दिमाग में बैठा लो, समझ में आ जाएगा। 6/3 वाला जो एग्जांपल हम बार बार दे रहे हैं, उसको आप लिख सकते हैं 3/2 रेशियो के फॉर्म में, जिसका कॉमन फैक्टर क्या है 2, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो रेशियो है वो रेशियो जो बच जाता है फ्रैक्शनल पार्ट में, और ये फिर जो भी नंबर टर्म बचा है वो ऐसा नंबर होता है जिसको ब्रेक करना, फैक्टराइज करना और सिंपलर फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता है। एक से ध्यान रखो, 6/3/2 लिख सकते हो, 6/8 लिख सकते हैं, इसको आप साइनिंग कर रहे हैं नहीं दे रहा, 6/4 लिख रहे हैं, 6/4 को 3/2 लिखा जा सकता है, अब 3/2 से और सिंपल फॉर्म में उसको लिख सकते हो, ये बताओ नहीं लिख सकते। अब इससे ज्यादा वो सिंपल फॉर्म नहीं होगा, मतलब उसका और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, और जहां फैक्टराइजेशन ज्यादा पॉसिबल नहीं होगा उसका एचसीएफ क्या होगा, ये समझने वाली चीज है, एचसीएफ 1 हो जाएगा, और जहां एचसीएफ 1 हो गया तो समझो फैक्टराइज नहीं होगा, और अगर एचसीएफ 1 हो गया दैट मींस दैट नंबर इज अ कोप्राइम नंबर, ठीक है, तो आपको ये इंटरप्रेट करना पड़ेगा खुद से। तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट वाला टर्म जो कॉमन फैक्टर था वो तो आप निकाल के आप डिवाइड कर दिए, तो जो प्रोडक्ट बच रहा है इसको आपको कोप्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका फैक्टराइजेशन भी पॉसिबल है। अब अगर इसी चीज को मान लो 3/4 लिखा जाए, कोप्राइम नंबर है 3 और 4, 4 और 3 कोप्राइम नंबर है, तो ये और प्रोडक्ट करोगे तो 12 आ जाएगा, कोप्राइम नंबर भी हो गया, दोनों का प्रोडक्ट है वो 12 भी आ जाएगा। सो ये दोनों वो पेयर हो सकते हैं जिसके केस में ये दोनों, अब वैल्यू पुट करके देख लो, एक का अगर इसका वैल्यू एक का 3 रखा गया है, ठीक है, सो 13 × 3 39, और इसके केस में 13 × 4 52। अब इसका देख लीजिए x × y करके एलसीएम HCF और AP निकाल के देख लो कितना आता है, क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए बस इसलिए बोल रहे हैं कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, आप एक बार दो बार ऐसा पूरा कंप्लीट एक एक स्टेप क्लियर कर लेंगे ना तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, और नहीं तो वही चीज हर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आ गया ना, प्रोडक्ट में भी आ रहा है, कॉमन फैक्टर 13 मिल जाएगा इसमें से, अब यही काम उसमें भी कर सकते हो दूसरे वाले पेयर में भी, तो भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसा दो पेयर पॉसिबल है जिस केस में प्रोडक्ट आपका 2028 आ जाएगा और एचसीएफ है वो 13 आ जाएगा, और एलसीएम 156 वो तो इंटरप्रेट ही किया जा सकता है। और कौन सा पेयर आता है, हां 13 और वो प्राइम में ब्रेक करता है ना, इसको मान लो 6/2 कर लेते हो, मैंने क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन में दिया हुआ, हां तो जो भी ये इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे निकालना है, तो पेयर्स कितना हो सकता है, इसको 12 को प्रोडक्ट, उससे क्या मतलब है, ये को प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें को प्राइम का कंडीशन क्या आता है, को प्राइम का कंडीशन नंबर्स में आता है, इसमें आएगा, यहां प्रोडक्ट में आएगा, इसमें को प्राइम नंबर होगा। अब ये भी जो भी होना चाहिए उसका प्रोडक्ट 12 होना चाहिए और वो नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। अगर इसी में एडिशन वाला कंडीशन रहता,
जो क्वेश्चन नंबर 30 या 31 में होगा, देखो उसमें एडिशन के बेसिस पे प्राइम नंबर में हमने ब्रेक किया था। फर्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें शायद कुछ था, कुछ फ्रैक्शन आई थी 13 या 33 था। तो 33 ए प्लस 33 बी इज इक्वल टू 5 समथिंग, 528 है ना। अब इसमें सम के बेसिस पे हमने 33 करके लिए जो आया नंबर वो 16 आता है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। तो 16 को हमें ब्रेक करना था को प्राइम नंबर्स में यहाँ, लेकिन हाँ वहां पे सम में कन्वर्ट करना था तो क्या करते रहते, 15 और 1 ले रहे थे, तो सम जो होगा वो 16 हो जाएगा। और ये जो पेयर बन रहा है दैट इज को प्राइम नंबर का पेयर बन रहा है ना। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो को प्राइम नंबर का पेयर बनना चाहिए, वहां पे सम बनना चाहिए। 15 एंड 1 रखा था हम लोगों ने, या फिर 3 एंड 13 था है ना, 7 एंड 9 था, एक और शायद कुछ था 11 and 5। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए उसके बाद को प्राइम नंबर में ब्रेक करना ही है, आइदर वो डिफरेंस हो, सम हो, या फिर ठीक है प्रोडक्ट, ठीक है यही करना होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? अगर इसी में कुछ और दे दिया जाए प्रोडक्ट, कुछ और फैक्टर, फिर पेयर पूछा जाए, फिर भी वही करना होगा, प्रोडक्ट निकालना है और वो टर्म। और ये भी चीज ध्यान रखना, जब भी आएगा ये रिजल्ट ना तो हमेशा ऐसा नंबर ही आएगा जो फैक्टराइज हो सके, ऐसा नंबर नहीं आएगा कि डेसिमल में आने वाला है। क्वेश्चन जैसे भी डिजाइन किया जाता है वो फैक्टर के फॉर्म में ही डिजाइन करेगा, जब भी क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएफ के फॉर्म में है, ऐसा नहीं होगा कि ये आपका कभी 12.5 आता है, ये नहीं है, ठीक है। तो कभी भी डेसिमल में और ये सब में एचसीएफ एलसीएफ का आंसर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ क्या है? कॉमन फैक्टर है। 13 हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, पर 13.5 नहीं हो सकता। चलो ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या हम आपको पूछना था। हम 6 इनटू ये सब पूरा ब्रेक कर लो,
2 × 2 ऐसा ब्रेक कर ले, लिखा जा सकता है। सो अगर मान लीजिए आप इसको 2 × 2 × 2 इस तरह से ही लिख ले, क्या हो जाएगा? और हो जाएगा पूरा 16 होगा। अच्छा यहाँ पे 9 पूरा कर लो, 3 × 3 × 2 हो गया है जी। 12 को क्या लिख सकते हो? 3 × 4 ठीक है। चलो ये भी लिख, 2 × 2 ये भी लिख सकते हो ना। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर चला देखो क्या, ये और ये है कॉमन फैक्टर ठीक है। अब कॉमन फैक्टर में ये चीज बहुत क्लियर समझ में आ जाता है कि इन दोनों में जो कॉमन होगा वही रिजल्ट इसका कॉमन फैक्टर होगा। That means y is equal to 6 इस तरह से आ जाएगा जो कॉमन है ठीक है। 3 × 2 ठीक है, ये y z x कॉमन। फर्स्ट टू का प्रोडक्ट x इन टू y 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12 ठीक है। y z कॉमन फैक्टर ले लो 3, 4, 5 कर लो। सो ये दोनों का प्रोडक्ट x into y, y into z 15 हो जाएगा। अब फैक्टराइज करिएगा तो y वाला फैक्टर यहाँ पे देखो, इसको क्या करोगे? 4 × 3 या फिर 2 × 2 × 2 वैसे भी कर सकते हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है, तो हाईएस्ट कॉमन टर्म लेना है तो ब्रेक करके लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हो 4 × 5 कॉमन फैक्टर 4, सो y इज इक्वल टू 4 यही देखो रिजल्ट ठीक है। वहां पे कॉमन टर्म एक्स्ट्रा आ जा रहा था इसलिए वैसा नंबर नहीं आ रहा। अब यहाँ से जो y है वो 4 मिल गया, तो x इंटू वाई, यहाँ y का वैल्यू रख दो 4, सो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या है? आ जाएगा ठीक है ना। इसी तरह इस 4 का वैल्यू इस पे रख लो, इसी कंसेप्ट से दूसरा नंबर आ जाएगा सेट। यही काम करना है आपको, तीनों नंबर्स निकालना है देन उसका सम निकाल देना है, क्वेश्चन में यही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। जो आएगा एचसीएफ दैट इज वाई, और इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो एक्स का वैल्यू, इसी इक्वेशन में रखोगे तो जेड का वैल्यू। एचसीएफ निकाल के बताओ, और जो भी नंबर निकालना हो हमेशा उसको एक्स वाई जेड कंसिडर करके ही चलो ठीक है। जो अननोन वैल्यूज है आपको इसमें से इस क्वेश्चन में निकालना है, द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ठीक है। बताइए क्या होगा, अपन जाएगा ना एचसीएफ निकालो, एचसीएफ आएगा वो वैल्यू ऑफ वाई निकलेगा। क्योंकि ये जो है जब नंबर्स है प्रोडक्ट है ये दिया हुआ है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों में कॉमन तो जरूर होगा, ये गारंटी है। y वो कॉमन नंबर है जिसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, y वो कॉमन नंबर है जिसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और इससे ये भी क्लियर हो जाता है x is smaller than y and z is greater than y है ना, क्योंकि इसका प्रोडक्ट जो है वो लार्जर आ रहा है। so x is smaller than y and z is greater than y. एचसीएफ कितना आया? 1। सपना मत देखो, 1 तो नहीं है।
1073 को हम 551 से डिवाइड करेंगे, 551 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 199 आ रहा है, 29 आ रहा है, रेजोल्यूशन आ गया कॉमन, मतलब 29 से डिविजिबल है सारा नंबर, ठीक है? सो डिवाइड दिस नंबर बाय 29 जो आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x, इसको हम डिवाइड करो 29 से जो आएगा दैट इज इक्वल टू z मिल जाएगा, और तीनों को वैल्यू रख दो, सम कर दो, जो आया दैट इज द आंसर, ठीक है? सेकंड वाला 37 आ रहा है, ठीक है? So that is equal to 37 over 29. मैंने कहा ना जब एक product common आ रहा है, कुछ तो कुछ तो common होगा ना? X क्या है? X 9, 11, 19. ठीक है? बाकी answer. ये मैंने online में बताया था. Online class की थी. शायद. जिस दिन ऑनलाइन क्लास प्लान था कॉलेज आप लोग को नहीं आना था शायद, चलो ठीक है ये होगा आंसर, और इस क्वेश्चन ठीक है अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है एक्स वाई जेड कैसे ग्रेटर स्मॉलर, तो क्या होगा उस नंबर और प्रोडक्ट के बेसिस पे ही बता सकते, नहीं तो पूरा सिंपलीफाई कर लेना है सिर्फ फिर बताना x ग्रेटर है y ग्रेटर है और z ग्रेटर है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? तो नंबर स्मॉलर x या फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करने के लिए बोल दिया जाए, तो जो क्वेश्चन बनाया हो उसके रिजल्ट के बेसिस पे भी आंसर समझिए कि ऐसे उसी क्वेश्चन को कितने और तरीके से पूछा जा सकता है, अगर ये चीज समझ में आ जाएगा ना तो आगे जो भी क्वेश्चन में वेरिएशन दिखेगा वो हैंडल कर सकते, ठीक है? थीके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किसमें डाउट सारा डाउट बस क्लियर कर दीजिए बताइए, और कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बना? ऑनलाइन 44 बोलो क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर ठीक है इज 45 टाइम्स प्लस
दिया हुआ है ना, क्वेश्चन को पता है आप कैसे कैसे सोचेंगे, बताइए कैसे कैसे सोच रहे हैं। X plus 45 X square root of 1 over X plus 45 X plus 45 X is equal to 1150 X to be in the same place. So the answer 46 X will be 1150 50 Yeah, na? So X is equal to kya mil jayega hume jayega yahan pe 1150 divided by 46 और जो आ रहा है that is equal to x plus x क्या था HCF ठीक है। अब अगर HCF मिल जाएगा तो x into y is equal to HCF into LCM x is equal to 25 x 25 चलो ठीक है 25 किया गया। अब यहाँ से ये 25 है और दोनों का सम दिया हुआ है तो दूसरा एलसीएम भी मिल जाएगा ये है ना। अगर ये 25 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1125 ठीक है x into y। अब हमें चाहिए क्या था देखो क्वेश्चन में y चाहिए और अब क्या करना है कुछ भी नहीं ये जो x है ये वो x का वैल्यू ये वाला दिया हुआ है मतलब इसको a भी लिखोगे तो a इसको डिवाइड कर लो 125 से तो आ गया 1 ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में ये मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठ जाइएगा ठीक है। आपको पता है 125 आ रहा है 25 का मल्टीपल है सब तो यहाँ पे जो भी टर्म है आप 25 into 1125 लिखोगे 125 लिखोगे सारा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 times इसको सिंपलीफाई करो। ऐसा नहीं करना कि उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना फिर वो करना पता चला कैलकुलेशन ही करते रह गया रिजल्ट तक पहुंचेंगे ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशन हो गया सो सारे कैलकुलेशन को रिड्यूस करके लास्ट तक लेके जाइए लास्ट में कैंसिल करिए ठीक है। अभी आप लोगों की कॉपी सेट कर दीजिए ये मैथ्स वाले कब मिलेगा मुझे वो काफी नेक्स्ट वीक ठीक है शुरुआत से सबकी कॉपी होनी चाहिए और जो टॉपिक खत्म हो रहा है उन सब पे फिर असाइनमेंट भी देने वाले। एक तो होमवर्क दिया है वो तो बन नहीं रहा है अभी कम्प्लीटली सबसे फिर असाइनमेंट रहेगा और असाइनमेंट में कम से कम 20 क्वेश्चन रहेगा सबको सॉल्व करके लाना है। ठीक है क्लियर है। और कोई क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है जो ज्यादा सरदर्द वाला है बताओ लास्ट में चले जाइए लास्ट का कुछ क्वेश्चन देखिए तो 70+ वाले में चले जाओ आपको कुछ भी करने के लिए रो बनाया जा रहा है रो जो बन रहा है दैट इज इन फॉर्म ऑफ 10, 50 and 12 ठीक है। अब अगर इसके बाद बोला जा रहा है ऐसा रो फॉर्म करने के लिए कितने मिनिमम सोल्जर्स चाहिए
जिसको आप अरेंज करो तो ये स्क्वायर फॉर्म बना, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म करें। जैसे स्टूडेंट्स का रो है, ठीक है, स्टूडेंट्स का रो में आप 10 के रो में, 15 के रो में, 20 के रो में स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हो, और वो अरेंज होने के बाद एक स्क्वायर फॉर्म करे। स्क्वायर फॉर्म होने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना इधर होंगे वही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर होंगे। अगर मान लो अगर 10 स्टूडेंट्स है तो इधर भी 10 होंगे तभी स्क्वायर फॉर्म होगा, हाइट और वेथ अगर इक्वल होता है तभी स्क्वायर फॉर्म होगा। सो ये ऐसा बनाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स होंगे कितने, 60 स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। देखो तो इसके ऑप्शंस हैं, इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी है, दैट इज 500 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है 600, थर्ड ऑप्शन इज 900 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 400। नंबर ऑफ सोल्जर्स हमें जानना है, कितने सोल्जर्स चाहिए, उनको अरेंज किया गया है इन रो ऑफ 10, एक रो में 10, दूसरे रो में 15 एंड थर्ड में मान लो 20, ऐसा रो बनाया जा रहा है। तो ऐसा रो बनाने के बाद उसको एक जगह कंबाइन करके आप सबको एक जगह रख रहे हो, तब कितने नंबर ऑफ सोल्जर्स चाहिए टू फॉर्म अ स्क्वायर शेप। ऑप्शन ले लिए, ये क्वेश्चन स्टूडेंट की तरफ से ही आया है, लोगों को तो बता दिए, अभी सोचा कि चलो डिस्कस करके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना आपको मिलेंगे, आपका जो 70 प्लस 60 प्लस वाला जो क्वेश्चन होगा ना इससे पहले में, उसमें इस तरह का क्वेश्चन है। थ्योरी यही होगी, वर्ड जो है वो डिफरेंट हो सकता है, उसको डिफरेंट तरीके से पूछा जाए, बट सॉल्व इसी वे में किया जाएगा, जैसे इसको सॉल्व करेंगे। 300 ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, सोचो बताओ क्या हो सकता है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 60 आ रहा है। अब इस 60 को रिलेट करो इस ऑप्शन से, वो भी ऑप्शन रिलेट करिए, तो आपको 60 का मल्टीपल ये दिख रहा है 500 नहीं है, 600 मल्टीपल है 900, ये मल्टीपल है 400 मल्टीपल है नहीं। अब मल्टीपल के टर्म में जो हम लोग बोल रहे थे कैप्चर भी कर रहे हैं, वो क्या चेक करना चाह रहे थे, अगर उसका कुछ मल्टीपल होगा तभी कोई चांसेस है कि वो बने, ठीक है। साथ में दूसरा टर्म ये भी होगा कि अगर मल्टीपल है तो जो भी नंबर्स होंगे वो स्क्वायर भी होने चाहिए। लाइक मान लीजिए आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये 400 के केस में ये जो भी नंबर आ रहा है दैट मस्ट बी अ स्क्वायर ऑफ समथिंग, ठीक है, ये कंडीशन भी होना चाहिए तभी वो जो शेप बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 60 का मल्टीपल होना चाहिए, एडिशनल उसमें वो स्क्वायर फॉर्म होना चाहिए, वो नंबर जो भी है वो स्क्वायर भी फॉर्म होना चाहिए। मल्टीपल तो ये है बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर, 600 किसी चीज का स्क्वायर नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 625 याद होगा आपको स्क्वायर होता है 25, 25 हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था तो 625 आता है, तो 25 मल्टीपल है, ऑब्वियसली बात है 600 किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 400 स्क्वायर है बट ये मल्टीपल ऑफ 60 नहीं है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि वो रिजल्ट में इसका भी इंक्लूजन होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। So, एक ही ऑप्शन बचा है, ये है 900 जो कि स्क्वायर भी है एंड इट इज अ मल्टीपल ऑफ 60, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो ये रिजल्ट। सो ऑप्शन कितना कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, 600 भी दिया गया, सबसे शुरुआत में आपको 600 आंसर लग सकता है, 400 भी स्क्वायर, अगर यहाँ पे एक थ्योरी अप्लाई करो मल्टीपल ऑफ 60, सो दिस इज द आंसर, हो सकता है, बोला जा सकता है, प्रोबेबल है, 400 है तो ये मल्टीपल नहीं है, लेकिन अगर आप स्क्वायर वाला अगर
अप्लाई कर लो फॉर्मूला, सिर्फ ये दिमाग में रहे, तो यहाँ पे ये भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। जब दोनों कंडीशन ध्यान में है तब आप उस क्वेश्चन पे आएंगे, तब आपका इस ऑप्शन पे कहीं ना कहीं कुछ लगेगा कि ये हो सकता है। 500 एक ऐसे ही डाल दिया गया ऑप्शन, बट कंफ्यूज करने के लिए चारों के। और इसमें मैक्सिमम अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये आंसर ऑप्ट करेंगे, वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर क्लियर है। और या फिर उसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है जिसमें रख सकते हैं, मिनिमम नंबर 60 ही हो जाएगा, बट कंडीशन है स्क्वायर फॉर्म करना है, इन दैट केस 900। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप देखिएगा, सॉल्व करोगे तब तो कुछ पता चलेगा। एक ही चीज, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन बे वाई में जैसे बाकी चीज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वैसे क्वेश्चन के डिजाइनिंग में भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, क्वेश्चन का लेवल हर बार चेंज होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ट्विस्ट टर्न किया ही जाएगा। इस केस में भी अगर चाहो तो अगर एलसीएम निकाल, इस क्वेश्चन को अगर बनाने में 1 मिनट भी लग सकता है, नहीं तो 10 मिनट भी लगाओगे। इस क्वेश्चन में क्या था, एलसीएम निकालना है तो वो आप तुरंत निकालेंगे 60 है, उसका स्क्वायर मल्टीपल निकालना है 900, विद इन 1 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो आप यही सोचते रह जाओगे कि एलसीएम तो 60 आ रहा है, ऑप्शन में 60 कहीं है ही नहीं, क्या होने वाला है आंसर, क्वेश्चन गलत है, ये है वो है, सब कुछ हो जाएगा बट अल्टीमेटली आंसर नहीं है। ये चीज ध्यान में रखो, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह का और भी है। एक नंबर है जो कि 3, 4, 5, 6 सबका मल्टीपल है, सबसे डिवाइड हो सकता है, कोई भी एक नंबर है, क्या नंबर है नहीं पता, डिवाइड हो सकता है, मतलब आप इस एक्स नंबर को इन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, लैंग्वेज में लिखो क्वेश्चन, तब समझ में आएगा कॉम्प्लेक्स है। चलो लिखो तुम जरा, लिखिए तो अ मैन हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ, अ मैन हैज सर्टेन नंबर ऑफ small boxes